दोस्तों जिस पल का इंतजार था वो पल आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी आज 15 जुलाई है और आज के दिन 3 बजे से, जी हाँ दोस्तों 3 बजे से मीटिंग चल रहा है शिव गोपाल मिश्रा, जी हाँ दोस्तों JCM के जो अध्यक्ष हैं और भी यूनियन के जो नेता हैं रघुवैया, सारे लोग आज केंद्र सरकार से नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में मीटिंग चल रहा है दोस्तों 3 बजे से। सुनिए, और बहुत बड़ी खबर है, खुशखबरी है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के नौकरी कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के नौकरी कर रहे हैं सबको लिए OPS हो सकता है, OPS तो हूबहू ना दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि 50% NPS में संशोधन किया जाएगा। वही आपको बता दें, केंद्र सरकार ने एक गठन बनाया था सोमनाथन कमेटी, जी हाँ दोस्तों TV सोमनाथन कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी है और उस रिपोर्ट को देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा हैं, यूनियन के सारे नेता हैं वहाँ पर और वित्त मंत्री और भी सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं मीटिंग में। जी हाँ दोस्तों, और आज फैसला होगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि आपको बता दें 23 तारीख को बजट पेश होगा, उसमें सारे चीज़ें साफ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अभी 3 बजे से मीटिंग शुरू होगी है, इसलिए हम लाइव वीडियो बना रहे हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र में ऑलरेडी NPS में संशोधन करके 50% यानी अंतिम बेसिक का 50% प्लस DA वेतन दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में भी BJP गवर्नमेंट है। आपको बता दें, इस बार भी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट यही चीज़ लागू करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो बता दें, जो नेशनल मूवमेंट OPS के नेता हैं विजय बंधु ने साफ बोल दिया है कि आपको जब भी लेना है OPS ही लेना है। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उनका साफ कहना है। लेकिन अब देखिए आज का मीटिंग में क्या चर्चा चल रहा होगा अभी फिलहाल, क्योंकि मीटिंग चल रहा है, 15 जुलाई है और 19 जुलाई को धरना प्रदर्शन है दोपहर खाना खाने के समय में। जी हाँ दोस्तों, जिस समय लंच होगा पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात भी जान लीजिए। आपको बता दें, 6 जुलाई को, याद रखिए डेट, 6 जुलाई को शिव गोपाल मिश्रा ने PM को और वित्त मंत्री को लेटर लिखा था कि हमें सिर्फ OPS ही मंजूर है, हमें OPS दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके चलते केंद्र सरकार ने बातचीत करने के लिए तैयार हो गया और 15 जुलाई को अभी मीटिंग चल रहा है और उसमें देखिए क्या कुछ निकल कर आता है। जी हाँ दोस्तों, यानी NPS में संशोधन का विचार फिलहाल सरकार कर रही है, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं है। ये बात आपको पहले से पता होगा कि सरकार को मात्र 240 MP मिला है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सरकार बैकफुट पर है और केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों अगर चाह लिया तो OPS उसको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये OPS इसका अधिकार है दोस्तों, ये मिलना ही चाहिए जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज देखिए क्या होता है, वो विचार चल रहा है, ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं। फिलहाल 23 तारीख को बजट पेश होगा, उसमें साफ क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल लाइव मीटिंग चल रहा है, उसके बाद फिर बाहर लोग निकलेंगे, शिव गोपाल मिश्रा हो, रघुवैया, जो भी यूनियन के लीडर नेता हैं वो बाहर आके जरूर बताएंगे कि क्या बातचीत हुआ, क्या किस चीज पर सहमति बनी। फिलहाल अभी सहमति नहीं बनी है, लेकिन उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, और ये सिर्फ संघर्ष का नतीजा है, क्योंकि जो नेशनल मूवमेंट फॉर OPS है, आपको उसका जो अध्यक्ष है विजय बंधु, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, इन्होंने बहुत बड़ा पूरे देशव्यापी प्रदर्शन किया जिसके कारण ये चीज हो रहा है। अब देखिए OPS लागू हो जाएगा दोस्तों, तो बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और जो भी स्टेट गवर्नमेंट में कर्मचारी हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि केंद्र सरकार अगर लागू करती है तो स्टेट गवर्नमेंट भी लागू कर देगी OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू हो गया तो बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये मांग आज से नहीं दोस्तों, आपको बता दें 1 जनवरी 2004 से जो भी सेवा में आए हैं दोस्तों सभी का NPS देना शुरू कर दिया, तो OPS हटा दिया गया था, लेकिन कर्मचारियों को मांग है कि सबको OPS दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, एक इसमें एक पॉइंट ये भी आ रहा है दोस्तों कि जिनका 30 साल का नौकरी हो चुका है, जिनको 30 साल की नौकरी हो चुका है उनको 50% प्लस DA मिलने का उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, अगर जो 30 वर्ष से नौकरी कम किए हैं वो रिटायर हुए हैं तो उनको 40 से 45% ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अंतिम बेसिक का मान लीजिए, अंतिम बेसिक आपका 1 लाख रुपया है, तो जब आप रिटायर होइएगा तो आपको 50,000 महीना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये साफ साफ आपको हम बता रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो आज फिलहाल ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, यूनियन के जो लीडर हैं वो केंद्र सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लाइव मीटिंग चल रहा है, आज
15 जुलाई है और 3 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गया नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली में। तो बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। अब देखिए उसमें क्या चीज़ बातचीत होता है, उस पर क्या चीज़ पर सहमति होता और उसमें कुछ क्या निकल कर आता, उसके बाद हम फिर से एक वीडियो बनाएंगे इस चीज़ के OPS के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, तो फिलहाल मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कुछ भी न्यूज होगा OPS ओल्ड पेंशन स्कीम से रिलेटेड, हम आपको सबसे पहले द रियल फैक्ट्स पर लाकर दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल मीटिंग चल रहा है, अब देखना है क्या है कि किस चीज़ पर सहमति बनती है। और 15 जुलाई है और 23 जुलाई को बजट पेश होना है और 19 जुलाई को धरना प्रदर्शन होना है। जी हाँ दोस्तों, ये सारे चीज़ें फिक्स है। अब देखिए क्या चीज़ सरकार क्या कुछ कर पाती है। अगर सरकार मोदी सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम दे देती, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम अगर लागू कर देती है तो मोदी सरकार तीसरी बार नहीं चौथी बार आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी आप बात बोल रहे हैं आपको हम, तो ये चीज़ को सोचिए, क्योंकि केंद्रीय कर्मचारी काफ़ी नाराज़ थे मोदी सरकार से। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में 60,000 शिक्षकों को जो 2004 से पहले का जिनका ज्वाइनिंग है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना शुरू हो गया है। तो जो नए पेंशन स्कीम में है वो बेचारे बहुत परेशान है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सोचिए ओल्ड पेंशन स्कीम अगर मिल जाता है सभी कर्मचारी भाइयों को तो कितना अच्छा होने वाला है। विजय बंधु ने साफ बोल दिया है कि किसी भी नकाबपोशी नेता से दूर रहिए, जो आपको बोलता है कि NPS में संशोधन कर दिया उसको ले लिया जाए, ऐसा नहीं है। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका नतीजा भी निकल कर आ रहा है। ओल्ड पेंशन की तरफ सरकार सोचना तो शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए क्या कुछ होता है। अभी 15 जुलाई है, आज मीटिंग चल रहा है, मीटिंग के बाद क्या कुछ निकल कर आता है, कुछ अगर नया अपडेट्स होगा तो आपको हम वीडियो फिर से बनाकर देंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन रेलवे।